हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज 2 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को आप सभी के विद्यालय में क्लास फोर का है ना गणित का वीकली टेस्ट लिया गया, और मैंने आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया था। उसमें से मैंने आपको कहा था कि बच्चा इस बार आपके एग्जाम में समय पार्ट से प्रश्न आएंगे, 100% प्रश्न मेरे द्वारा करवाए गए आए हुए हैं, जो मैंने करवाए थे वही कहे हैं। प्यारे बच्चों, भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए क्लास वन से लेकर के क्लास 12 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ सभी प्रश्न उत्तर करवाते हैं। तो बच्चा, यदि आपके भाई बहन या फिर आपके कोई रिलेशन में है जो क्लास 6, 7, 8 में है, तो उन्हें भी शेयर जरूर कीजिए बच्चा। और जितने भी आपके छोटे भाई बहन, मित्र, सखा, बंधु क्लास 1 से लेकर के क्लास 3 में पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से एक चैनल बनाया है, BWC किड्स, उसे जस्ट सब्सक्राइब कीजिए बच्चा। आपको वहाँ पे क्लास 1 से लेकर के 3 तक के वीकली टेस्ट के आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के आंसर देखते हैं। आप सभी पहले जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ये काम आप अपना कहिए, उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न था, सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। प्रथम दिन पूछे तो सोमवार, अंतिम दिन पूछे तो रविवार। वर्ष का प्रथम महीना कौन सा होता है? कौन सा होता है बताइए? बिल्कुल सही, जनवरी होता है। और अंतिम पूछता तो दिसंबर। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। सभी कुछ करवाए थे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? ये तो एकदम मामूली सा प्रश्न था, 24 घंटे होते हैं। आप विद्यालय कब जाते हैं? अपराह्न में, पूर्वाह्न में, शाम में या रात में? डिट्टो प्रश्न आए बच्चा, एकदम डिट्टो प्रश्न जो मैंने करवाया है, बताइए। अच्छा, आपने कौन सा लगाया, अपराह्न या पूर्वाह्न, इसका आप कमेंट कीजिए, बताइए। तो पांचवा का आपने क्या लगवाया है? 31 दिन के कुल कितने माह होते हैं? चलिए बताइए क्या लगाया आपने। मैंने बताया था जनवरी होता है, मार्च होता है ना, उसके बाद मई होता है, जून है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई होता है, जून छोड़ के जुलाई अगस्त होता है, जुलाई अगस्त सितंबर छोड़ के अक्टूबर होता है, नवंबर छोड़ के दिसंबर होता है, यानी 7 महीने होते हैं। तो 31 दिन के कुल कितने महीने होते हैं? सिर्फ लिख देना था 7। जिस माह में 30 दिन होते हैं उनका नाम लिखिए। तो सबसे पहले अप्रैल लिख देना था है ना, अप्रैल के छोड़ के मई छोड़ के जून लिख देना था, जुलाई अगस्त छोड़ के है ना सितंबर लिख देना था, और नवंबर लिख देना था। ये 4 महीने ही होते हैं, सितंबर के बाद नवंबर। समीर दिल्ली से 12 नवंबर को 15 दिन के लिए मुंबई गया, तो वह किस तिथि को दिल्ली लौटेगा? 12 में 15 जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 1 1 2 27, 27 तारीख को लौट जाएगा, 27 नवंबर को, ठीक है। ऐसे करना था, ऐसे किया आपने। नवा प्रश्न पूछा गया था, जोड़िए। चलिए, मैंने ये भी प्रश्न करवाया था, सबसे पहले इधर जोड़ते हैं मिनट में, 5 और 1 6, 5 और 1 6, और 5 2 7 और 1 1 17 घंटा 66 मिनट। खा में था 5 घंटा 40 मिनट, 4 घंटा 5 मिनट, तो 5 और इधर 4 45, इधर हो गया 5 4 9, 9 घंटा 45 मिनट। उसके बाद 10वां प्रश्न था, घटाएं, तो 5 में से 2 3, 5 में से 4 1, 7 में से 4 3, 3 घंटा 13 मिनट। खा में था 16 घंटा 48 मिनट, 10 घंटा 26 मिनट। 8 में से 6 2, 4 में से 2 2, 16 में से 10 गया तो 6 घंटा 22 मिनट। क्या आपने ऐसे ही किया है? बताइएगा अपना स्कोर, जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपके 10 में से कितने आए, बताइएगा बच्चा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए बच्चा, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।